किया, मसलन अंजुम, तो उनको मैं कई सालों से जानता हूँ लेकिन पहली बार हमने साथ में कहा। स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली बनकर आई हैं, उनको काफ़ी चीज़ें समझ में आई। हाँ, परफॉर्मेंस का ऐसा था कि अल्लाह ने मदद करी, हिम्मत दी और मैं परफॉर्म करता गया। बाकी अभी ऑडियंस देख रही है, उनको मज़ा आ रहा है देखने में, एंड आई एम रियली होपिंग कि जितने आगे के और भी स्टंट्स हैं उनको देख के और मज़ा आएगा। मैं खुद भी इनफैक्ट अभी थोड़ा भूल गया हूँ कि क्या किया था, कौन सा हफ्ता था, स्टंट देख के याद आता है। हाँ, उसको देख के सब कुछ याद आता है कि हाँ इसके बाद क्या हुआ था, इसको करते वक्त क्या हुआ था, कहाँ कहाँ लगी थी, तो वो सब याद आता है। आई थिंक अवार्ड तो पहला ही है, लेकिन ये है कि बैक टू बैक प्यार ज़रूर मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए वही है। सबसे बड़ा अवार्ड मेरे लिए मेरा ऑडियंस का प्यार ही रहा है हमेशा। मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ा कोई अवार्ड है कि आपकी ऑडियंस आपसे प्यार करे, किरदार से जाने के बाद भी उसी किरदार से आपको पहचाना जाए। आई थिंक वो सबसे बड़ा अवार्ड है और खुदा की मेहरबानी रही अब तक, सो अल्लाह मेहरबान। बहुत सारी। अभी वो ये कि हर शो के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इसके अलग किस्म के प्रोज एंड कॉन्स हैं। इसमें आपको अपने आप को मेंटली के साथ फिजिकली भी पेश करना होता है, तो यहाँ पे अलग टाइप का मेरे लिए चैलेंज रहा। बहुत मज़ा आया, चैलेंजिंग जितना उतने मज़ेदार। काफ़ी अच्छे अच्छे लोग मिले, काफ़ी ऐसे कुछ ऐसे जिनको मैं सालों से जानता था, उनके साथ पहली बार काम किया, मसलन अंजुम, तो उनको मैं कई सालों से जानता हूँ लेकिन पहली बार हमने साथ में काम किया, तो बहुत मज़ा आया। सो ये ट्रूली वॉज एन एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था। इनफैक्ट जितना भी उनका रहा बहुत अच्छा रहा, बहुत इज्जत के साथ खेली। खुद सलमान सर ने तारीफ़ करी उनकी, तो आई थिंक ये उनके लिए खुद ही उनके गेम के बारे में कह देता है कि कैसा खेला उन्होंने। स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली बनकर आई हैं, उनको काफ़ी चीज़ें समझ में आई, तो इनफैक्ट हर शो, हर एक जो भी आप लाइफ में एक्सपीरियंस लेते हो आपको कहीं ना कहीं बदलता है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। तो आई थिंक ये आप सवाल शायद फलक का भी ज़्यादा बेहतर दे पाएंगी कि वो कितना बदलाव महसूस करती हैं। फलक, आप ही के अलावा अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी हैं। अभिषेक इज़ प्लेइंग रियली वेल, एल्विश भी काफ़ी अच्छा खेल रहा है, बी वेरी ऑनेस्ट, उसका गेम अच्छा है। जिया का बहुत अच्छा गेम है, जैसे भी लोग उसको बोलें, जो भी बोलें, बट बाबा शी इज़ बिन देयर, एंड ऑफकोर्स तमाशा माइंड। हाँ यार, वो चलो सारी पुरानी बातें हैं, अभी वही था कि मेरी बहन है भाई, फैमिली के लिए नहीं खड़े हो गए तो किसके लिए खड़े हो गए, सो दैट्स हाउ इट गोज़।